जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी पहले तो हजरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे हम लोग सब इतने मुश्किल मुश्किल सवालात करते हैं और आप उसका इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं कि बात दिल को भी लगती है और बड़ी सेंस भी करती है। और दूसरा ये था कि मेरा बेटा 4 साल का है, तो उसको डॉक्टर को भी दिखाया था, उसको कुछ ब्लोटिंग का मसला रहता है, उसका पेट थोड़ा ब्लोटेड रहता है, बहुत फूल सा जाता है, उसको बहुत ज्यादा गैस बनती है जी। पता नहीं, फूड एलर्जी भी नहीं है, डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो कुछ उसके लिए अगर बता दें कि उसको उसकी ये गैस की प्रॉब्लम और ब्लोटिंग वगैरह जो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ज़ाहिर है आप रात ये हौसला देते हैं तो हमारा और दिल खुश होता है और अच्छे अच्छे मज़ामीन हम लेके आते हैं, और अल्लाह, आप लोग सवाल करते हो तो अल्लाह दिल पे उतारता है और ज़बान से कहलवा देता है और आप तक वो बात पहुंच जाती है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। तो उसके लिए ऐसा करें, सूरह लुक़मान, सूरह लुक़मान जो है वो जैतून के तेल पे दम कर लें, या ये कि ग्रेवेटर वगैरह जो मिलता है ग्रेवेटर पे दम कर लें, वो आधी आधी चम्मच उस बच्चे को चटाएं, तो ये दम करके रख लें और वो जो है उसको चटाते रहें। और उसके अलावा दिन भर में जब भी मौका मिले उसके पेट पे हाथ फेरते हुए या समियो या समियो या समियो 21 टाइम या समियो पढ़ के शो उसके पेट पे फूंक दिया करें, जब भी मौका मिले या समियो पढ़ पढ़ के फूंकते रहें और ये जो है दम करके उस लुक़मान रख लें और वो उसको चटाते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से गैस का मसला भी हल होगा और पेट भी उसका नहीं फूलेगा। बहुत शुक्रिया।